तो सबसे पहली न्यूज हमारे पास आई है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल में अब जैसे हम सीरी यूज करते हैं और हर कोई गूगल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट यूज करता है आजकल, तो एप्पल में ऐसी एप्पल सीरी हम यूज करते हैं। पर आज अभी थोड़े टाइम पहले क्या रिपोर्ट थी कि भाई जो एप्पल के एम्प्लॉयज थे वो आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी थी, तो कुछ लोगों की वो सुन सकते थे, तो वो सब चीज़ चल रही थी जो कि बहुत ही गलत चीज़ है कि मतलब आप बिना किसी को ना उन्होंने कुछ इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ हो रहा है और वो कोई भी आप कैसे कोई भी प्राइवेट बातें सुन रहा था एप्पल का एम्प्लॉय, तो वो सब चीज़ें थी अभी इससे पहले चल रही थी। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है और ऐसी चीज़ें मतलब बहानेबाजी जो भी होगी, पर है तो बहुत गलत चीज़ कि आप कैसे कोई भी बातें सुन सकता है मतलब। पर जो अभी अभी एप्पल iOS 13.2 बीटा वर्जन आने वाला है, तो एप्पल ने कहा है कि उसके अंदर ये फीचर आएगा कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मतलब कि डिसेबल कर सकते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग ना सुनी जाए, और एक और ऑप्शन दिया गया है उसके अंदर कि जहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं आप अपनी सीरी की रिकॉर्डिंग्स, और ये ऑप्शन मिलेगा आपको iOS 13.2 बीटा वर्जन में। और वो कह रहे हैं कि ये प्राइवेसी फीचर प्राइवेसी इंप्रूव करने के लिए है, पर पहली बार में ही ऐसी हरकत कर देते हैं तो प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। पर अभी भी ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते कि अगर आप बस फ़ोन में एक ऑप्शन ऑफ कर दें तो वो अपने हरकतों से हटेंगे नहीं। हालांकि हो सकता है कि आप सिर्फ ऑफ कर दें और फिर भी वो सब चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहें, पर फिर भी आपको iOS 13.2 बीटा वर्जन में ऑप्शन मिलता है कि आप उसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं और अपने रिकॉर्डिंग्स भी डिलीट कर सकते हैं सीरी से भी, जो भी आपने कमांड्स उसमें इनपुट करी कि जैसे वेदर अलार्म या फिर मैसेजिंग किसी को या किसी को फ़ोन कॉल करनी या कोई भी मैप्स पे नेविगेशन या जो भी आप कमांड्स वॉइस असिस्टेंट पे यूज़ करते हैं, वो सारे रिकॉर्डिंग्स को आप डिलीट कर सकते हैं और टर्न ऑफ कर सकते हैं, उस ऑप्ट आउट कर सकते हैं उसमें से कि वो ना सुन सकें ये सब चीज़ें। तो ये थी फर्स्ट इसकी न्यूज़। पर एक और चीज़ है जो एप्पल की तरफ से न्यूज़ आ रही है आज, वो है कि एप्पल जल्द ही आईपैड का नया वर्जन आईपैड प्रो एक लॉन्च कर सकता है इस 2020 Q1 क्वार्टर वन में। मतलब यहाँ पर एक ये र्यूमर है कि हमारे को ये आईपैड प्रो अब मतलब फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकता है 2020 के, क्योंकि जो पहले के आईपैड लॉन्चेज हैं उसके हिसाब से प्रिडिक्शन है, मतलब कोई पक्का तो नहीं है, किसी ने एप्पल ने ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया कहीं पर ये हो सकता है कि इस मार्च 2020 तक हमारे को iPad Pro देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और सिर्फ iPad Pro नहीं हो सकता, यहाँ पर एक AR augmented reality headset भी हो सकता है, तो मतलब वो भी एक चीज़ है। साथ में iPhone SE सेकेंड वर्जन भी रिलीज़ हो सकता है उसी iPad के साथ, तो मतलब ये सब प्रिडिक्शंस की गई हैं एक हमारा बंदा मतलब ये सब प्रिडिक्शंस की गई हैं मिंग ची कुओ से, जिसने पहले भी कई बार प्रिडिक्ट किया और मतलब आईपैड की कब लॉन्च होगा, और काफ़ी हद तक सही होती है क्योंकि पुराने रिलीजेस के हिसाब से एप्पल वाले लॉन्च करते हैं अपने नए प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो एप्पल का लॉन्च इवेंट होगा उसके अंदर उम्मीद है कि ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट लॉन्च हो सकता है। हालांकि मतलब होता क्या है, जैसे कि VR होता है वर्चुअल रियलिटी, उससे कुछ मिलता जुलता ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आपका जैसे कैमरा यूज़ होता है, तो आप जैसे अपने टेबल के ऊपर ऐसे 3D में गेम खेल सकते हैं फ़ोन के अंदर, या कुछ कुछ जैसे आपका जो स्नैपचैट पे फेस फिल्टर या वो सब चीज़ें होती है वो भी कुछ कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी टाइप सी होती है। तो उस तरह से कुछ हेडसेट वगैरह हमारे को देखने को मिल सकता है, जैसे कि ग्लासेस वगैरह या ऐसा कुछ हमारे को मतलब उम्मीद है कुछ लॉन्च करें। हालांकि ऐसा कुछ एप्पल ने कभी लॉन्च तो नहीं किया, पर क्या पता हमारे को कुछ ऐसा देखने को मिले इस बार के लॉन्च इवेंट में। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो iPad Pro है मेन अट्रैक्शन इस लॉन्च इवेंट का, तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे को एक iPad Pro भी देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इम्प्रूवमेंट जो इसके अंदर आ सकती है iPad Pro में, वो ये है कि इसके अंदर एक नया टाइप का सेंसर होगा जो कि जिसे हम कहते हैं TOF सेंसर, जो कि 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। मतलब सेंसर इसका अंदाज़ा लगाता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा दूर है, यहाँ से एमिट करता है वो लाइट और जितना भी टाइम उसको वापस आने में लगता है तो उस हिसाब से वो उस तरह से वो उसकी डेप्थ का उस डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाता है। तो असल में होगा क्या इस मतलब असल में इसका यूज़ क्या होगा इस 3D TOF सेंसर का, तो इसके अंदर आपकी जो AR एप्लीकेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरह से काम करेंगी, जो भी आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी वाली एप्लीकेशंस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया तरह से काम कर सकते हैं इसमें। और जहाँ तक उम्मीद है तो इसके साथ साथ जो AR हेडसेट ये निकाल रहे हैं तो शायद ये दोनों आपस में कनेक्ट होके कुछ मतलब ऐसे सिंक होके काम करें, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी अभी पता नहीं कि क्या होगा, लॉन्च होगा भी सही कि नहीं होगा, और ये चीज़ हमारे को क्या क्या देखने को मिल सकती है इसमें। और एक लास्ट चीज़ जो बहुत टाइम से ड्यू है, मतलब एक बार आई थी उसके बाद तो मतलब कभी नहीं दिखी, तो जो कि था अपना iPhone SE, जो कि ऐसे छोटा सा iPhone मतलब अपना 5 जैसा सा था कुछ कुछ,
तो वो था, पर अभी र्यूमर चल रही है कि इसका आईफोन SE सेकेंड वर्जन भी लॉन्च हो सकता है। हालांकि जो वो स्क्रीन साइज था वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब पर्सनली मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है, जैसे कि ये S9 प्लस है तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है हैंड में, पर जो आईफोन 5 और उस टाइम का जो था साइज़ वो बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब बढ़िया लगता था हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ, और बिल्कुल चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता था, और हैंडलिंग भी ऐसे वन हैंड ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाता था। पर ये जो 6-6 इंच के फ़ोन आ गए इतने बड़े बड़े, इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस मामले में। पर अगर आईफोन SE 2 अगर ऐसा सा कुछ आता है तो वो भी हो सकता है कि मतलब वही फॉर्म फैक्टर हो, अभी पता नहीं कि किस तरह से क्या निकालते हैं, मतलब और जहाँ तक की र्यूमर्स है तो ये कुछ कुछ आईफोन 8 जैसा सा होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा लो एंड आईफोन होगा, तो जैसे हर कोई ले पाएगा आईफोन, हालांकि अभी लेने के लिए तो अपने अंग बेचने पड़ते हैं, पर आईफोन वो काफ़ी ज़्यादा लो बजट होगा तो आप हर कोई आईफोन अफोर्ड कर पाएगा। हालांकि मैं तो बिल्कुल एंड्रॉयड फ़ैन हूँ, पर अगर आपको आईफोन पसंद है और अगर आपको थोड़ा लगता है कि एक्सपेंसिव है तो आईफोन SE 2 अगर लॉन्च होता है तो शायद आप वो कंसिडर कर सकते हैं आसानी से। और इसके अंदर हो सकता है कि एप्पल की A13 बायोनिक चिप भी मिले, और साथ ही साथ आपको टच ID मिलेगा, शायद फेस ID ना दें पैसे बचाने की वजह से। तो देखते हैं कि किस तरह से क्या लॉन्च करते हैं ये अपने इस अगले लॉन्च इवेंट में। पर ये थी एप्पल की न्यूज़ आज की, जो भी हमारी थी।